हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी टाइम है, शाम के 5 बज गए हैं और हम जा रहे हैं पार्टी में। तो मेरे मामा जी लेने आए हैं, मामा जी और उनकी बेटी और मैं और सौरभ के पापा, हम लोग जा रहे हैं पार्टी में। दिवाली पार्टी है, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ और इन्जॉय करते हैं, देखते हैं कैसी पार्टी रहती है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है पार्टी में, बहुत इन्जॉय करेंगे। तो चलिए बने रहिए आप लोग हमारे साथ, चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे वहीं पार्टी में। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पार्टी में पहुंच गए हैं और ये हैं मेरे मामा जी की बेटी, मिली आप इनसे बहुत ही प्यारी हैं ये। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं चारों तरफ से आपको इस पार्टी का लुक दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी पार्टी थी, बहुत प्यारा सजा हुआ था ये हॉल। और यहाँ पर हमारे प्रयागराज के बहुत सारे लोग आए थे, सबसे मिलना जुलना हो गया। यहाँ दिल्ली में रहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हमारे प्रयागराज के ही हैं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग आए थे तो सबसे मिलना जुलना हो गया और बहुत अच्छा लगा। बहुत शानदार दिवाली पार्टी थी। तो और IAS PCS मतलब सभी लोग आए हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा इस पार्टी में आके और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो और फ्रेंड्स, यहाँ पर खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, तो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हो रहा था एक साइड में स्टेज पे। लेकिन क्या है कि हम लोग सारे प्रयागराज के ही थे, कुछ लोग, सारे नहीं मतलब कुछ लोग प्रयागराज के थे, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहे और बातचीत करते रहे, तो और चीज़ों पे इतना ध्यान ही नहीं गया। मतलब ये होता है ना कि अपने साइड का कोई मिल जाता है तो एक अलग खुशी होती है। तो बस वही चीज़ थी कि सारे काफ़ी लोग हमारे यहाँ के थे, तो सब एक दूसरे से मिलने जुलने में लगे रहे और बहुत ही इन्जॉय किया हम लोगों ने एक दूसरे से बातचीत की। कितने लोग रहते हैं यहाँ दिल्ली में, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन यहाँ सभी लोग इकट्ठे हो गए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और ये जो दीदी बीच में बैठी हुई हैं, ये भी हमारे यहीं की हैं, तो इनकी बेटी अभी IAS हुई हैं, तो बहुत खुशी हुई। मतलब ऐसे ही जब मिले एक दूसरे से तो जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो सभी लोगों से मिलना जुलना हो गया और बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारे लोगों से मिले। और चलिए अब आ गई है खाने की बारी, तो खाना खा लेते हैं। और फ्रेंड्स, आइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए बहुत मतलब बहुत अच्छा खाना था, और इधर टिक्की, गोलगप्पे वगैरह सभी चीज़। और खाना खाने के बाद सभी लोगों ने एक साथ ग्रुप में फ़ोटो खिंचवाया एक दूसरे के साथ, तो यहाँ मैं भी ले रही हूँ सब लोगों के साथ सेल्फी। और ये देखिए, इधर जेंट्स लोग सारे एक साथ है, एक दूसरे के साथ फोटो ले रहे हैं। और यहाँ पे ये प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी बच्ची मिल गई, बहुत ही प्यारी थी, तो ये बार बार बोतल उठा के पानी पी रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी।
और उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे के साथ फ़ोटो लिए और अब प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। तो अब बाहर आ गए हैं हम लोग होटल से, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये। और अभी टाइम हो गया है, शाम रात के 9 बज गए हैं। तो देखिए कितना प्यारा सजा हुआ है ये होटल, और दिखाती हूँ आपको इसके इसका बाहर का लुक। बहुत ही प्यारा सजा हुआ है नीचे से ऊपर तक, ये देखिए। तो इसी होटल में थी पार्टी, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हो गया जो कि हमारे यहीं के थे, प्रयागराज के। बहुत खुशी हुई। और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो और जैसे ही हम लोग होटल से बाहर आए, तो यहाँ पे ये जो बच्चे गुब्बारे बेचते रहते हैं, बैलून, तो ये आ गए बच्चे। तो फिर इन्होंने कहा ले लो आंटी गुब्बारे। तो मैंने इनको फिर पैसे दे दिए थे। हमने कहा बेटा जाओ, कोई बात नहीं, आप लोग बेच लेना इसको। भैया मुझे भी दे दो। तो ये भी लिए दो। अरे वही रख लो, अपना बेच लेना तुम, रख लो। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चल दिए घर को, और आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ काफ़ी इंजॉय किया होगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें और खुशियां बांटें। और आप लोगों को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली।